खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की, जहां प्रतिवर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेला स्थल से हमारे संवाददाता असजद चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। असजद, मेले की क्या कुछ तैयारियां बाकी रह गई हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से मेले में, इस पर क्या कहेंगे? बताना चाहूंगा, मेले की प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल के आईजी और मंडल आयुक्त महोदय ने भी मेले का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई गई थी तो अधीनस्थों को दिशा निर्देशित भी किया गया था, जैसे कि जिला पंचायत द्वारा जो कमियां रह गई थी उनको मंडल आयुक्त द्वारा सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उनसे उन कमियों को दूर करने के लिए आदेश दिए थे। अर्शद, मेले में कितने लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है? मैं आपको बता दूं, ये मेला एक ऐतिहासिक मेला कहलाया जाता है, जिस मेले को लगभग 30 से 35 लाख श्रद्धालु अपनी आस्था को यहाँ देखते हैं। अर्शद, वहीं आपने लोगों से, ग्रामीणों से अगर मेले के बारे में बात की हो तो उनका क्या कुछ कहना है, कितना उत्सव है उनके अंदर मेले को लेकर? ग्रामीणों का कहना है कि जैसे कि पहले श्रद्धालु कहते थे कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं लचरता दिखाई दे रही है, लेकिन अब की बार जिस तरह पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो क्या कहते हैं लोकल प्रशासनिक अफसर हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मंडल के जॉन के जो आईजी हैं उनका साफ साफ निर्देश है भैंसा दौड़ नहीं होगी, लेकिन उसके देखते हुए भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भैंसा दौड़ चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।